आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। चंद्रबाबू नायडू के रोड शो में भगदड़, 8 की मौत, धक्का मुक्की में सीमेंट की रेलिंग टूटी, कई नहर में गिरे, 10 अस्पताल में भर्ती। एनआईए का एक्शन, केरल में पीएफआई के नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी, 58 जगह चल रही रेड। उज्बेकिस्तान का दावा, भारतीय कफ सिरप पीने से गई 18 बच्चों की जान, हु ने कहा जांच में करेंगे सहयोग। कंबोडिया में होटल में लगी आग, 10 की मौत, 50 से ज्यादा अभी भी फंसे, खिड़की से कूदते जान बचाते दिखे लोग। T20 वीमेंस वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया घोषित, हरमनप्रीत कप्तान, पूजा वस्त्राकर की वापसी, भारत का पहला मैच 12 फरवरी को पाक से। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। बादा में ईडी रिमांड समाप्त होने के बाद मुख्तार अंसारी कोर्ट के आदेश पर बांदा मंडल कारागार पहुंचे। बता दें कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 14 दिसंबर को बांदा मंडल कारागार से इलाहाबाद कोर्ट पेश किया गया था, जहां ईडी की रिमांड एप्लीकेशन स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा था। 10 दिन की ईडी रिमांड समाप्त होने के बाद पुनः मुख्तार अंसारी को जेल भेजा गया था, जिसके बाद ईडी रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद ईडी ने आज मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया था। तो वहीं पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को कोर्ट के आदेश पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बांदा जेल लाया गया। रायबरेली में प्रेमी युगल ने एक कहावत सच कर दिखाई है कि प्यार अंधा होता है, और इस कहावत को सच करने वाले ऊंचाहार का एक प्रेमी जोड़ा है। मामला रायबरेली जिले के ऊंचाहार का है, जहां दो बच्चों की मां प्रेमी संग फरार हो गई, जिन्हें सिविल लाइन ओवरब्रिज पर पकड़ लिया गया। तो वहीं मौके पर कोतवाली सिपाही और एसडीएम मौजूद रहे, वहीं अब पुलिस ने दोनों को पकड़कर कोतवाली में पूछताछ शुरू कर दी है। मैं तुम्हारा क्यों, क्या नाम है तुम्हारा, ये कौन है आपके? हाँ, दूसरी शादी करूंगी, कौन है आपके? अभी कोई नहीं है, ये कौन है आप? इनके साथ भाग रही थी क्या आप? भाग नहीं रही थी, मैं इन लोगों के पास जाता कि इनसे डिवोर्स हो जाए, मैं इनके साथ शादी करती हूँ। क्या इनसे प्रेम प्रसंग करती हैं क्या? इनके पास सब करते हैं, क्योंकि अगर मारते पीटते ना तो मैं इनके साथ ना जाती, बहुत मारते पीटते थे। और मेरा घर भी, कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे हैं, और घर द्वार कुछ भी नहीं, ना जब से मेरे शादी हुई दूसरे घर में नहाना धोना कपड़ा लगता थी दूसरे घर में। तो क्या पति मारते पीटते? बहुत मारते पीटते। कब किए, क्या नहीं किया? ये कौन है जो जा रही थी आप? ये मेरी ड्यूटी है। किसके साथ जा रही थी? ये हमको नहीं पता है कौन है। अच्छा, कहाँ के रहने वाली है ये? जलमऊ। आप कहाँ के हैं? ये बच्चे किसके हैं? मेरे। तो कैसे आपने जाना कि आप भाग के जा रही हैं? ये घर से गई है, गायब हुए थे दो दिन, मैं फोन लगाया, सोचा आप बता रहा हूँ, घर जा रही है अपने घर, अपने घर जा रही है। तो बोला हो, दो दिन बाद फिर घर में फोन किया तो पता चला दो दिन पहले ही निकली, और ससुराल फोन किया तो वहाँ आई नहीं। क्या नाम है पत्नी का? रोजीना। आपका? सकीम। आपको घर से पता चला? ये बच्चे आपके पत्नी, आपके पत्नी के हैं? हाँ जी, ये हमारे बच्चे। आने जा रहा था, इन लोगों ने रास्ते मेरे को मार भी दिए, चलो नीचे चलो। इनके कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ। क्या भगा के ले जा रहे थे क्या? ये सूरत का, सूरत से you
रायबरेली में डीएम ने स्थलीय निरीक्षण के दौरान दो बहनों को स्टैंप चोरी करते हुए पकड़ लिया, तो वहीं शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आनंद नगर में क्रेता अर्चना त्रिपाठी की 6,65,000 की स्टैंप चोरी पकड़ी गई। वहीं दूसरे बैनामी क्रेता धुन्नी सिंह नगर निवासी महनाज पत्नी हसनैन पर 1,82,000 से अधिक स्टैंप की चोरी पकड़ी गई है। बता दें कि जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने बड़े मूल्य के लेख पत्र का स्थलीय निरीक्षण करने के दौरान पंजीकृत बैनामों पर स्टैंप और निबंधन शुल्क की कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी को वसूली के लिए निर्देश दिए। रायबरेली में पॉलीथीन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नगरपालिका की टीम ने शहर के सब्जी मंडी में कई दुकानों पर छापेमारी की, जिसके चलते पॉलीथीन बेच रहे विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। तो वहीं नगरपालिका की टीम ने कई दुकानों से भारी संख्या में पॉलीथीन भी जब्त की है। इस दौरान जब नगरपालिका की टीम जब्त पॉलीथीन गाड़ी में ले जा रही थी, तभी व्यापारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट और शहर कोतवाल ने पहुंचकर हालात पर काबू पाया और सरकारी काम में बाधा डाल रहे दो व्यापारियों को हिरासत में ले लिया। सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा ने बताया कि पॉलीथीन पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जो भी इसको बेचते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शासन द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है, उसी क्रम में नगरपालिका द्वारा अभियान चलाया जा रहा था और ऐसी प्लास्टिक्स जहां भी बिक रही थी या देखी जा रही थी उनको जब्त किया जा रहा था। इसी क्रम में यहां पर इस दुकान पर आए, जहां पर शॉपकीपर ने काफ़ी भारी मात्रा में प्लास्टिक रखी हुई थी, लेकिन उसे जब्तीकरण की कार्रवाई के दौरान कुछ बाधा उत्पन्न की है उसने, जिसके कारण उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। बाकी जो माल प्राप्त हुआ है उसे नगरपालिका जब्त कर रही है। मैनपुरी के थाना बेबर क्षेत्र में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि किसान खेत पर आलू की खुदाई कर रहा था, तभी नामजद आरोपी ने उसे गोली मार दी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं किसान की हत्या से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बेबर थाना अंतर्गत नगला पैठ निवासी दीपक आज हरिराम के खेत से आलू निकाल रहा था। इतने में बगल के गांव का शास्त्री उर्फ राधेश्याम यादव आया, जो दारू पिए हुए था और किसी बात पे नाराज होकर के दीपक के ऊपर फायर किया, जिससे मौके पे उसकी डेथ हो गई। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेज दी गई है। 3 टीमें गठित की गई हैं अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए। शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी और अन्य वांछनीय कार्रवाई की जा रही है। ये खेत साहब मेरा है। आपका खेत है? मेरे 7 लोग खोद रहे थे जी, और 7 लोग खोद रहे थे, उन लोगों ने जगह तो आप बोरा फैलाओ आलू ये थोड़े जी, तो मैं बोरा फैलना चले गई और मैं बोरा फिर रहा था और तब तक एकदम आवाज आई और मैं एकदम भजके आई, तब एकदम गिर गई अबू लड़का जो था वो एकदम बाजी है साथ। किसने मारा थी गोली? क्या गोली मारी? एक गोली मारी। कहाँ पे गोली लगी मृतक के? जी यहाँ। अच्छा, मतलब कोई यहाँ झगड़ा वगैरह हुआ था क्या? कोई झगड़ा, कोई पुरानी रंजिश थी उसकी? अब जाता भाई, आज मन नगला रहते रहते हैं और बे नगला कट रहते हैं। जो जिस लड़के की डेथ हुई है वो आपके खेत में काम कर रहा था? हाँ, मेरे खेत में काम कर। क्या नाम है आपका? क्या घटना घटी है? ये घटना ये घटी है साहब, हम लोग आलू खोद रहे थे और उधर से आया तो अपने हथियार पकड़ी था, उसमें कारतूस भी था, तो 2-3 बार तो उसने अजमाया ऐसे ही कुतिया पे जैसे इधर थी, फिर हम लोगों ने ये बोला हम नहीं ले जाओ भाई इसमें कारतूस है, तो उसने भी बोला, तो उसके ऊपर जब 2-3 बार चला नहीं तो उसके ऊपर ऐसे करके उसने चलाया तो चले। आपके साथ कौन कौन लोग साथ में थे जो काम कर रहे थे? हमारे साथ 5-6 लोग थे। अच्छा, कोई झगड़ा वगैरह हुआ था? कोई झगड़ा नहीं हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है। आज यहाँ खेत पर क्या घटना घटी है आज? हमारे भैया यहाँ पे आलू खोदने आए थे जी, और वो खोद रहे थे आलू और पड़ोस के गांव का एक लड़का था जी, उसने गोली मार दी। गोली मार दी? किसके गोली मार दी? हमारे भाई के। भाई के? मतलब कोई पुरानी रंजिश थी क्या? नहीं, कोई रंजिश नहीं। फिर क्या बात थी? कोई बात ही नहीं थी, ऐसे ही ऐसे गोली मार दी। आपके भाई की जो गोली लगी है कहाँ पे लगी है? सर में गोली लगी है। कितनी गोली मारी है आप? एक गोली मारी है।
बराबर कौन था? शास्त्री नाम का लड़का था, रत्ते नगर अच्छा का। कोई पुरानी रंजिश नहीं थी? आप उनके मृतक के कौन हो? लखनऊ में नगर निगम की ओर से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें बताया गया कि नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर ठंड से बचाए जाने के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में नगर निगम लखनऊ ने नगर के समस्त क्षेत्रों में 52 अस्थायी रैन बसेरे संचालित हैं। साथ ही निराश्रितों को आश्रय की व्यवस्था के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे बेड, बिस्तर, नहाने के लिए गर्म पानी हेतु गीजर, कमरे को गर्म रखने के लिए ब्लोअर, शौचालय आदि की व्यवस्था की गई है। बताने की वर्तमान में रैन बसेरों में 1272 व्यक्तियों को आश्रय मिला है। रायबरेली में एक युवक ने फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना मौजूद लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल में जुट गई। पूरी घटना सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नरेंद्रपुर गांव की है, तो वहीं घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बांदा में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस ने 12 वर्ष से फरार चल रहे एक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी और उसके दो साथी ने धारदार हथियार से मारपीट कर एक युवक को घायल कर दिया था, जिसमें से दो अभियुक्तों को चार वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया गया था, जबकि तीसरा अभियुक्त 12 वर्षों से फरार चल रहा था। फरार अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय की समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मामला कहां से पकड़ा गया है? ये 2010 में कोतवाली देहात ग्राम पचुल्ला में एक अपराध संख्या में मुकदमा लिखा गया था 308, 323, 504, 506 में, जिसमें दो अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है, सजा सुनाई जा चुकी है न्यायालय की तरफ से, और एक अभियुक्त लगातार बातचीत में फरार चल रहा था, जिसकी 82-83 तक की कार्रवाई हो चुकी थी, जिसे आज कोतवाली देहात पुलिस टीम के द्वारा पकड़ा गया हमीरपुर से और अब उसे आगे विधिक कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। कानपुर में द स्पोर्ट्स हब के सहयोग से हॉर्स राइडिंग फेडरेशन ऑफ यूपी हॉर्स राइडिंग की प्रतियोगिता का आयोजन करेगी। हॉर्स राइडिंग स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहर के मैदानों को चिन्हित कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता के आयोजन में सेडलरी ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा और कानपुर के छोटे कारीगरों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। फेडरेशन के सेक्रेटरी अजय गुप्ता ने बताया कि ओईएफ नगर पालिका और पुलिस ग्राउंड को चिन्हित किया गया है। प्रारंभ में पुलिस प्रशासन आर्मी के घोड़ों का इस्तेमाल होगा, बाद में क्लब बनाकर हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। उनके लिए हमारे छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स, उनको वो सामान प्रोवाइड करा पाएंगे, उनको तो उसमें बाहर के लोग भी आके, बाहर की संस्थाएं भी आके, बाहर खिलाड़ी भी आके ये देखेंगे कि जो सामान हमारे यहाँ से बन के जर्मनी तक जाता है, उस तो उनको मालूम पड़ेगा कि सेडलरी के प्रोडक्ट्स, सेडलरी के आइटम हमारे कानपुर में बनते हैं, वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड के बनते हैं जो हमारे यहाँ से बन के जाते हैं। यूपी में राइडिंग का कोई स्कोप नहीं है, राइडिंग नहीं होती है। तो हम लोग का विचार ये है कि हमारी संस्था यहाँ पर राइडिंग के प्रोडक्ट्स को तैयार करेंगे अपने यहाँ राइडिंग कराने के लिए। इटावा लोकसभा से सांसद रामशंकर कठेरिया आज औरैया जिला पहुंचे, जहां उन्होंने भैसोल गांव में ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनी, जिसमें मिली से बिजली, राशन, सड़क की समस्या को जल्द से जल्द निस्तारण करने की बात कही और अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित भी किया। वहीं पंचायत में हर विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही शिवपाल यादव पर भी आरक्षण को लेकर किए गए ट्वीट पर भी जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और सरकार बिना रिजर्वेशन के चुनाव नहीं करवाएगी। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब निकाय चुनाव 2 महीने के बाद ही होंगे। सर, कुदरपुर थाना क्षेत्र में एक सर सराफा व्यवसायी के साथ लूट हुई, सर क्या मामला है? ये आज शाम को 5:30 बजे ये सूचना मिली थी
कि कुदरकोट के एक व्यापारी हैं श्री उपेंद्र वर्मा, उनकी एक दुकान बरौना कला चौकी क्षेत्र में है, वहाँ से वो शाम को आ रहे थे अपने घर कुदरकोट, तभी पीछे से मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने गाड़ी को ओवरटेक करके उनका सामान जो है वो छीन लिया है। और उसके बाद वो बदमाश उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।